बुजुर्ग की हत्या के मामले में पुत्रवधू सहित चार को आजीवन कारावास। प्रेम प्रसंग में आड़े आने पर बहू ने ही करवाई थी ससुर की हत्या। एडीजे कोर्ट ने आरोपियों पर 20,000 रुपए का लगाया जुर्माना। आरोपी सोनू कुमारी, सुनील कुमार, दीपेंद्र कुमार तथा प्रदीप कुमार को आजीवन कारावास। अभियोजन पक्ष ने 40 गवाह और 191 दस्तावेज किए पेश। झुंझुनू डाकघर बचत अभिकर्ता की हत्या के 8 साल पुराने मामले में जिला एवं सेशन न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी है, साथ ही प्रत्येक पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोपियों में मृतक की पुत्रवधि भी शामिल है। कुल्हाड़ियों की ढाड़ी निवासी सोनू कुमारी, सुनील कुमार, दीपेंद्र कुमार उर्फ मीकू पुत्र तथा वारसपुरा निवासी प्रदीप कुमार को यह सजा सुनाई। मामले के अनुसार 15 जुलाई 2016 को कुल्हाड़ियों की ढाड़ी के सोहनलाल जाट ने बिसाऊ थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसका चचेरा भाई सुभाष चंद्र डाकघर में अल्प बचत अभिकर्ता था। रोज सुबह 11 बजे बिसाऊ जाता था और दिन में घर घर जाकर आरडी के पैसे एकत्रित कर रात्रि को 10:30 बजे घर आता था। 14 जुलाई को सुभाष बस से उतरकर घर आ रहा था। रास्ते में श्रीराम के घर के पास नीली बत्ती लगी एक गाड़ी खड़ी थी, उसमें से उतरे दो व्यक्तियों ने सुभाष को पकड़ लिया और जबरन गाड़ी में डाल लिया। इसके बाद सुभाष से मारपीट की और गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में जांच के बाद मृतक बुजुर्ग की पुत्रवधू सोनू, सुनील, दीपेंद्र को उसी समय गिरफ्तार कर लिया था और एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया, जबकि वारिसपुरा निवासी प्रदीप को बाद में गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी सोनू कुमारी, सुनील कुमार, दीपेंद्र कुमार और मीकू तथा प्रदीप कुमार पुत्र सुभाष चंद्र के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया। राज्य सरकार की तरफ से पैरवी करते हुए लोक अभियोजक भारत भूषण शर्मा व पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट सुभाष पूनिया ने 40 गवाहों के बयान कराए व 191 दस्तावेज पेश किए। पत्रवाली में आए साक्ष्यों का विश्लेषण करते हुए आरोपी सोनू, पत्नी विकास कुमार, सुनील कुमार पुत्र सुभाष चंद्र, दीपेंद्र कुमार उर्फ मीकू पुत्र सुरेश कुमार तथा वारिसपुरा निवासी प्रदीप कुमार पुत्र सुभाष चंद्र को यह सजा सुनाई। दिनांक 14/7/2016 की रात्रि को जब मृतक सुभाष अपने काम से रात्रि घर आ रहा था तो उसके पुत्र सोनू ने अपने साथियों के साथ मिलकर के उसकी हत्या कर दी, जिसका पुलिस थाना बिसाऊ में FIR दर्ज होने पर बाद इन्वेस्टिगेशन उसके चार अभियुक्त के खिलाफ चालान पेश किया गया, जिनमें न्यायालय सेशन न्यायाधीश में हो गया श्रीमती दीपा गुर्जर ने बहस सुनकर के और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को कंसिडर करते हुए चार अभियुक्त वन श्रीमती सोनू, प्रदीप, दीपेंद्र और सुनील, जिनको धारा 302 IPC में आजीवन कारावास और धारा 364, 392, 120 भी IPC में 10 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया गया।